वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है ब्रेन और उसके पार्ट्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल यहाँ नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी नए वीडियोज है आपको सही टाइम पर मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपके सिलेबस में भी गिवन है, कि ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम क्या होता है। ओके हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, पर फिर भी आपको नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन पता होना ज़रूरी है। ओके तो नर्वस सिस्टम की यदि क्लासिफिकेशन की हम बात करें, तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं तो उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये डिवाइडेड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इंटू सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट, अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जैसे जैसे ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको नॉमेनक्लेचर किया गया है तीनों को, फोर, मिड और हिंड ब्रेन। राइट, फोर ब्रेन की यदि बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन में अगेन इसके जो पार्ट्स हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अमाइग्डाला, हिप्पोकैम्पस और बेसल गेंग्लिया। डायनसेफेलॉन के दो पार्ट हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आते हैं मिड ब्रेन की तरफ, तो मिड ब्रेन में इसको कहते हैं हम मीजनसेफेलॉन, मीजन मतलब बीच वाला। दो पार्ट है, टेक्टम और टेगमेंटम। इसके बाद हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की, इसमें दो पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में आता है पोन्स एंड सेरेबेलम, माइलेनसेफेलॉन में आता है मेडुला। तो गाइज ये एक समराइज्ड क्लासिफिकेशन है, आपको याद करने में इजी रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रेन और उसके पार्ट्स के बारे में। तो गाइज ब्रेन, हम सबको पता है कि ब्रेन जो है बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि कई सारे फंक्शन करता है। इवन आप जब सो जाते हैं उसके बाद भी ये अपना फंक्शन करता रहता है। ओके तो ये जो फंक्शन करता है, इसमें ये मसल्स को भी कमांड करता है, सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आता है और मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहाँ पे मैसेज भी प्रोवाइड कराता है। राइट, इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल भी करता है। सो गाइज ब्रेन जो है ये पूरी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ओवरऑल पूरी बॉडी को मैनेज करता है। एक तरह से हम कहें कि एक ट्रेन का जो इंजन होता है ना, बस वही है हमारा ब्रेन। राइट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये अगेन मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन इसलिए दिया ताकि आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल सके। राइट, बाकी ये क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो अभी आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोर ब्रेन के ऊपर है, जिसमें हम टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन की दो डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो पूरा जो रेड पार्ट है ये टीलेनसेफेलॉन कहलाता है, और नीचे का जो पार्ट है वो डायनसेफेलॉन कहलाता है। राइट, टीलेनसेफेलॉन में जो मेजर पार्ट आता है वो आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रम। तो ये जो आप ब्लैक वाली लाइनिंग देख रहे हो बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और रेड वाला पूरा जो है ये सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसमें कई सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो हम यहाँ देखते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है आउटर मोस्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है। राइट, कई सारे इसमें हायर सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, इमोशन, हंगर एंड स्लीप। बिकॉज मैंने कहा कि इसके अंदर कई सारे सेंटर्स होते हैं, इसलिए इसके कई सारे फंक्शंस भी होने वाले हैं। ओके इसके अलावा यहाँ पे आप जो आप ये कुछ ब्लैक लाइंस देख रहे हो नीचे की तरफ, है ना, तो यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स हैं। ओके तो ये जो फोल्डिंग्स है इसको बोलते हैं रिंकल्ड स्ट्रक्चर हम कहते हैं सेरेब्रम का। ओके कि सेरेब्रम के अपर मोस्ट या बाहरी पार्ट में ये रिंकल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके यहाँ पे ये जो डीप के अंदर आया हुआ है, ओके जिसको हम वैली कहते हैं, तो इस वैली का नाम है सल्साई, यहाँ नीचे लिखा हुआ है SULCI। राइट, या इसको कभी कभी हम फिशर भी कहते हैं। तो ये जो डीप में यहाँ पे आया हुआ है इसको हम कहते हैं सल्साई, और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका गायरी, या इसको हम कहते हैं गायरस। तो यहाँ पे क,
कई सारी फोल्डिंग्स हैं। तो ये फोल्डिंग्स में ऊपर वाला पार्ट जो आ रहा है इसको हम कहेंगे गायरस, और जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है इसको हम कहेंगे सल्साई, राइट। तो चलते हैं आगे। सेरेब्रम और उसके कौन कौन से लूप्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो सेरेब्रम जो होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ओके, इसके बाद जो सेरेब्रम होता है इसमें दो मैटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो सेल बॉडीज़ होती हैं या डेंड्राइट्स होते हैं या सिनेप्स होते हैं, इनका सब पूरा मास होता है। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। और वाइट मैटर का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन का एग्जॉन वाला पार्ट है ना, जिसमें सभी के एग्जॉन्स आते हैं, उसको हम कहते हैं वाइट मैटर, राइट। तो ग्रे मैटर इसमें कई सारी यहाँ पे सेल बॉडीज़ हैं, कई सारा डेंस मैटर है, इसलिए ये डेंस दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। और वाइट मैटर जो होता है ये थोड़ा थिन होता है, इसलिए ये वाइट दिखता है, कंपैरेटिवली वाइट दिखता है। ओके, नाउ सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लोब्स की यदि हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है इसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट वाला। ओके, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं और दोनों बीच में एक कनेक्टिंग लिंक से कनेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, तो कॉर्पस कैलोसम वो पार्ट होता है जिसमें दोनों हेमिस्फीयर इंटरकनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब यदि हम बात करते हैं इसके लूप्स की, तो ब्रेन जो होता है ये चार लूप्स में डिवाइडेड होता है, और ये जो लूप्स होते हैं ये सेरेब्रम का ही पार्ट है, क्योंकि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो पूरा पार्ट है ये सेरेब्रम का पार्ट है। ओके, अब इस सेरेब्रम के अंदर चार तरह के लूप्स होते हैं। पहला है फ्रंटल, डेफिनेटली फ्रंट साइड में होगा ये, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। यहाँ जो टेम्पोरल लोब है ये बिल्कुल हमारे ईयर के पास वाला पार्ट है ये, ठीक है। टेम्पोरल बोन जो होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल बिल्कुल हाइंड पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। ओके, सबसे फ्रंट पार्ट है फ्रंटल और उसके बीच वाला पार्ट है पैराइटल। ओके, तो याद करने में हमें इसको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ, एक एक पार्ट को हम देखते हैं कौन से इसके फंक्शन हैं। फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ओके, तो हम बात करें इस वाले पार्ट की, राइट। अब जो फ्रंटल पार्ट होता है ये कई सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जैसे जो इंस्टेंट विजन होता है कि आपने कुछ देखा और उसके बारे में आप सोचने लगे या प्लानिंग करने लगे, ओके, या कोई आप गोल सेट कर रहे हो, ओके, तो ये सभी काम कहाँ पे होंगे, फ्रंटल पार्ट में होंगे। सेकेंड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द करेंट एक्शन, इस करेंट एक्शन का क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो भी आप कहाँ सोचते हो, फ्रंटल पार्ट से सोचते हो। ओके, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इसके अलावा ओवर राइडिंग करना या फिर दूसरे रिस्पॉन्सेस को सेंड करना या उसके बारे में सोचना, ये सभी काम जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, फ्रंटल पार्ट में। ये आप कह सकते हो कि इंस्टेंटली आप जो सामने देख रहे हो उसको एनालिटिकल वे में सोचना, ये सभी काम कहाँ पे होगा, आपका फ्रंटल पार्ट में होगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लूप की, टेम्पोरल लूप ऑफ द ब्रेन। तो टेम्पोरल लूप जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये कि ये टेम्पोरल लूप है, इसमें दो तरह के एरियाज होते हैं, एक होता है वर्निक्स एरिया, दूसरा होता है ब्रोकास एरिया। अब इनके क्या फंक्शन है, वर्निक्स एरिया जो होता है ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, स्पीच मतलब उसको क्या कहना है क्या बोलना है, ओके, या फोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रोकास एरिया जो होता है ये वर्ड मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। किसी पर्सन का यदि वर्निक्स एरिया खराब हो गया या डैमेज हो गया तो वो पर्सन बोलेगा तो सही, बट पूरा नो कोई सेंस नहीं है उसके बोलने का, कुछ भी बोलेगा। और ब्रोकास एरिया जो होता है जब तक ये मतलब ये भी डैमेज हो गया तो वर्ड फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, ओके, स्लर्ड स्पीच आएगी उसकी, प्रॉपर वर्ड स्पेलिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा वो। अब देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज, राइट, उसके रिटेंशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑडिटरी इंफॉर्मेशन कि आपने क्या सुना, सुनने के बाद लैंग्वेज के कॉम्प्रहेंसेंस, वर्ड मैकिंग में और उसके नेमिंग में ये हेल्प करता है। इसके अलावा इमोशनल रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, और कुछ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव्स है लाइक एग्रेशन एंड सेक्सुअलिटी, इसमें भी ये हेल्प करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है
और इसका पूरा काम जो है विजन से रिलेटेड है, विजुअल प्रोसेसिंग करना है। जो भी आप देखते हो उसको एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसका सीधा इमेज कन्वर्ट करना, ये सब काम किसका है? ऑक्सीपिटल लोब का होगा। यदि ये डैमेज होता है तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन। पैराइटल लोब जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पार्ट इतना पैराइटल लोब का, जो कि सेंसरी स्किल्स से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग करना, नेविगेशन करना, ये सभी जो है ये पैराइटल लोब के काम होते हैं। तो सेंसरी से रिलेटेड है, लाइक यहाँ पे टच का सेंसेशन होना। इसके अलावा ये कुछ सिंबॉलिक फंक्शन भी करता है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, राइट? या आप कहीं जा रहे हो, मैप्स को आप देख रहे हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन करने में पैराइटल लोब हेल्प करता है। इसके बाद बात करेंगे हम अमाइगडाला, राइट? तो जब हमने फोरब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, टेलेंसेफेलॉन के जो पार्ट्स हैं वो उसमें एक पार्ट और है अमाइगडाला। तो अमाइगडाला जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर में यहाँ पे ये अमाइगडाला प्रेजेंट है, राइट? तो दोनों हेमिस्फेयर में एक एक अमाइगडाला प्रेजेंट होता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी को स्टोर करना है और ब्रेन में कहाँ स्टोर करना है, राइट? इसके अलावा ये इमोशन ऑफ फियर है, एंगर है और प्लेजर है, इसमें भी ये डिफरेंट रोल पार्टिसिपेट करता है, राइट? इसके अलावा कुछ पार्ट्स और हैं फोर ब्रेन के, डाइसेफेलॉन के, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। बेसल गेंग्लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर में बेसल गेंग्लिया प्रेजेंट है। इसका फंक्शन होता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, लर्निंग, हैबिट, कॉग्निशन एंड इमोशन, राइट? यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, याद करने में काफ़ी ईजी रहेगा आपको, कि मूवमेंट में, याद करने में, हैबिट के फॉर्म करने में, किसी को पहचानने में और इमोशंस में, इन सभी में हेल्प करता है बेसल गेंग्लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये स्लीप रेगुलेशन में हेल्प करता है, कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस। थैलेमस के नीचे वाला पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स होता है नीचे, राइट? तो थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर, राइट? पूरी बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर्स है वो कहाँ पे है आपका? हाइपोथैलेमस के अंदर है, जो रेगुलेट करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अलावा हंगर, फटीग और स्लीप, इससे भी ये रिलेटेड है। इसके बाद में अमाइगडाला हम देख चुके हैं। हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी और नेविगेशन में हेल्प करता है, ठीक है? तो गाइज ये कुछ पार्ट्स हैं फोर ब्रेन की। तो आज हमने यहाँ पे फोर ब्रेन को कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के ऊपर स्टडी करेंगे। सो गाइज होप सो कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।